मोलैरिटी। देखो यार, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये तो हर किताब में लिखा है, आपने नया क्या बताया, समझाते हैं। मान लो मैं तुमसे बोलूं मोलैरिटी ऑफ कुछ भी ले लो, सुगर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी में सुगर का सॉल्यूशन इज 2m, ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है कैपिटल m। अब मोलैरिटी बता रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, और इसकी मोलैरिटी 2m है, मतलब 2 मोल्स ऑफ सुगर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसी को हम मोलैरिटी बोलते हैं। जैसे हम बोले कि मोलैरिटी ऑफ, सुनना थोड़ा सा चेंज करूंगा, मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयंस इज 3M, इसका मतलब हुआ 3 मोल्स ऑफ H प्लस आयंस आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं उसी को हम बोलेंगे मोलैरिटी। छोटी सी बात थी, समझ में आ गई होगी। अब मोलैरिटी का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला यार यहीं से बन जाएगा जो अभी आपने पढ़ा, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में लेना जरूरी है क्योंकि पर लीटर था, इन 1 लीटर था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला एक बार साइड में मैं रिवाइज करा दूं, ऑल्दो आप सबको पता होगा यार नंबर ऑफ मोल्स, यार क्या करते हैं अपन, ऊपर जो मास दिया होता है वो लिखते हैं और नीचे मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं, इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले लगाएंगे तो मोलैरिटी आ जाएगी। मोलैरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर देखो बच्चों मोल्स है, नीचे देखो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किस में है, लीटर में, तो मोलैरिटी की यूनिट हो गई मोल्स पर लीटर, और इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊपर सॉल्यूट के मोल्स रखो, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखो, मोलैरिटी की प्रॉब्लम खत्म हो गई। ठीक है, ऊपर सॉल्यूट के मोल्स, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में, मोलैरिटी की प्रॉब्लम खत्म। क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मोलैरिटी ऑफ, चलिए 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व्ड इन 250 ml सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन Na का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। चलिए, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स और नीचे रखेंगे वॉल्यूम किसमें, इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ मोल्स NaOH के निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मास गिवन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो 250 ml है, इसको डिवाइड कर दो 1000 से, तो वॉल्यूम किसमें मिल गया, लीटर। अब मास कितना गिवन है, 40, भाई यहां पे सॉल्यूट कौन है, NaOH, और मॉलिक्यूलर मास सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 40 हुआ 24 और 16 डिवाइडेड बाई 250 बाई 1000, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4, ऊपर हमारा 251, ऊपर क्या बचा हमारे पास 1, नीचे 1/4 ऊपर आ जाएगा, तो 4, ऊपर है मोल्स नीचे है लीटर, तो 4 मोल्स पर लीटर, या इसको आप सीधा 4m बोल सकते हो, मतलब 4 मोल NaOH के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। चलिए करें, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए अपन क्या लिखेंगे, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब, इसको भी 1000 से डिवाइड कर दो तो लीटर्स में आ जाएगा, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब आपको एटॉमिक मास चाहिए, तो हाइड्रोजन का 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। चलिए, मास कितना गिवन है, 4.9 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो हाइड्रोजन का 1 × 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 × 4 64, तो कितना हो गया हमारा 66 और 32, 96 और 2, 98 डिवाइडेड बाय, ये कितना बचेगा 1/2 लीटर, ऊपर क्या है मोल। ठीक है, यहां से डेसिमल हटा देंगे, यहां जीरो लग जाएगा, 49 1s, 49 2s, 98 और 0, तो 1/20, और ये ऊपर आके रेसिप्रोकल 2/1, 2 1s are 2, 2 10s are 20, तो हमारे पास आया 1/10, यानी 0.1 मोल्स पर लीटर, या इसी को आप बोल सकते हो 0.1 कैपिटल एम। ठीक है।